और ये रागनी, क्योंकि रागनी जगत के अंदर ये सच्चाई है कि बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता से अपना नाम रोशन किया है दुनिया के अंदर। हरियाणवी संस्कृति को उन्होंने अपनी कलम से बचा के रखा। पंडित लक्ष्मी चंद जी को सूर्य कवि की उपाधि दी गई है, उन्हीं के परम शिशु है पंडित मांगेराम जी, बहुत कवि हैं, लेकिन कवियों में एक कवि बाजे भगत जी भी हैं। और मेरी इच्छा है कि आदरणीय बाजे भगत जी द्वारा लिखित ये रागनी मैं आपके बीच में सुनाऊं, और ये रागनी रूप बसंत के किस्से की मैं आपके बीच में सुनाऊंगी। और उस समय की बात होगी कि जब रानी रूपमती बीमार होती है, अपने महलों में लेट रही थी। प्रेमी सज्जनों, महलों के अंदर एक पेड़ पे एक चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे। रानी देखती थी रोजाना उन्हें, और एक रोज क्या देखा कि जो चिड़िया घोंसले में रहती थी वो एक रोज बीमार हो गया, पता नहीं किस कारण से मर गई। और जो चिड़ा था वो दूसरी चिड़िया अपने घोंसले में ले आया। प्रेमी सज्जनों, कहते हैं कि शौक पे ना तो शौक बर्दाश्त होती और ना ही शौक की बच्ची। जब दूसरी चिड़िया आई तो पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को उसने आते ही मार डाला। ये नजारा रानी ने अपनी आंखों से देख लिया और ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद महाराज भी दूसरी शादी कर लें और जो दूसरी महारानी हमारे घर में आए वो आते के साथ मेरे दोनों बच्चों रूप और बसंत को मार डाले। राजा को महलों में अपने पास बुलवाया और रानी रूपमती न्यू समझाती है, यहाँ के बोल है जरा सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या बताया कि हाथ जो और महाराज कहना ये है हो मैं मर जाते सज्जन मेरे मत पूजा क्या कर लिए तेरा हाथ जोड़ के कह रही सू इतना प्यार को कहिए हो मैं मर जाते सज्जन मेरे मत पूजा क्या कर लिए हाथ जोड़ Oh,
भी शादी कर ली तो आने वाले समय में ये जमाने वाले आपके बेटों को चैन से जीने नहीं देंगे कि भाई हद हो गई, तुम्हारे बाप ने बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और मैं बोली कैसे बताया। भगति दान करे तपिया सब प्यार हमें मिट जाए। अरे करवा